% प्लास्टिक आप डाल सकते हो। मैंने निकाला, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं तो कंक्रीट रोड बना रहा हूं, कोई उपयोग में नहीं लाता। अब वेस्ट प्लास्टिक का रेट है 8 रुपए किलो और डामर का रेट है 40 से 45 रुपए किलो। अगर आपने एक स्कीम चलाई कि महिला बचत गट जो होती है कि भाई आप प्लास्टिक इकट्ठा करो और आपका प्लास्टिक हम 25 रुपए किलो से खरीदी करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 30 रुपए किलो से सप्लाई करेंगे, तो भी उसके 15 रुपए किलो बच गए और 8% डांबर के बजाय गांव का पूरा प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्लास्टिक डांबर में जाएगा, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ये महिला जो होगी फिर प्लास्टिक में वैल्यू क्रिएट होगी तो दिखेगा, प्लास्टिक जेब में डालेंगे, घर जाके स्टोर करेंगे क्योंकि उसमें वैल्यू क्रिएट हुई। ये इतनी बड़ी वेस्ट की यह है, मैं बहुत बार बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे शहर में हमने 4 साल पहले जो टॉयलेट का पानी था वो हमने 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि टॉयलेट का पानी बेचा सकता है, बेचा जा सकता है 18 करोड़? महाराष्ट्र सरकार खरीदती है रिसाइकलिंग करके, वो कोराड़ी और खापरखेड़ा के पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं और अभी 10 दिन पहले हमने एग्रीमेंट नया किया और पानी दे रहे और हमको साल के म्यूनिसिपल कार्पोरेशन कितने मिलेंगे पता है आपको? 78 करोड़। केवल टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 78 करोड़ मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। चाहे कोई इंसान भी वेस्ट नहीं है, चाहे कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट लीडरशिप अगर होगी तो कचरे से भी सोना बन सकता है।